है, एक बात को समझते हैं, हेयर के ट्रीटमेंट्स बेसिकली क्या होता है। हमारे यहाँ पर कोई पैसा कमाने का नहीं है। कई लोग मुझे बोल रहे हैं, जानबूझ के बोलती है कि ऑयलिंग मत करो ताकि इसको पैसा मिले। मैं जिस जगह से वापस आई हूँ, मुझे पता है मेरा क्या हाल था। जब जब मैंने ऑयलिंग यूज की, कितना खराब हुआ। जो मैंने ट्रीटमेंट्स अच्छे करवाए अच्छा हुआ, जो बुरे कराए बुरा हुआ। तो वो जो हमारे मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ, ठीक है। इनका हेयर परसों तक ऐसा था, ऐसा ही था। आप क्या क्या यूज करते हो, जल्दी जल्दी बोलो। ऑयलिंग आगे, सिर्फ शैम्पू किया, कुछ नहीं किया, ऐसे करके वॉश किया, टॉवल रैप किया, बताया है ना, ऐसे ऐसे वॉश किया, ये किया। एट लास्ट क्या हुआ, हेयर के अंदर से एक सॉफ्टनेस, और अगर आप देखेंगे तो वेटलेस हो गया। कितना, ये देखिए, बिल्कुल ये वेटलेस है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कर दी थेरेपी। इन्होंने परसों काम कराया था, सेम ऐसा हेयर था, और इतना हेयर फॉल था, उलझ रहे थे, अड़ रहे थे। चेक करना है किसी को, चेक करना है आपको, आना है ना। अब हमने क्या किया, इसको इतने ही बालों को देखिए, और ये देखिए, ये बिफोर है, वेटलेस हेयर, और इतना ही हेयर, ये हैवी, ठीक है, सुलझा हुआ। और यूं किया, कितना हेयर फॉल था आपका बच्चे, कितना होगा, बहुत, मतलब दोनों हाथों में अगर हम सोचे तो ऐसे हेयर इनके आ रहे थे। हमने सेम डे से इसको बहुत हैवी और बहुत ही बढ़िया कर दिया। करा सकते हैं तो हल्का सा कट, लोग तो इतना ज्यादा कट करते हैं, हम कहते हैं हमारे यहाँ कटिंग नहीं होती है ना। तो ये हेयर है, ऐसे ही वॉश करना है, शैम्पू, मास्क, घर पे स्पा, घर पे सब कुछ। अब इस पर ब्लॉन्डर प्रेसिंग अपना नहीं करना। ये देखिए, ये हो गया। अब आगे जी करली हेयर, करली हेयर वाले कहते हैं जी हमें तो हेयर ग्रो चाहिए। आप बताए, एक ड्राई चीज जिसके अंदर का मॉइस्चर और नहीं है, और ये वेटलेस है, और इतना उलझ रहा है, तो ग्रोथ कैसे होगी। पहली बात तो आपकी डाइट ही नहीं है, हाँ है ना। दूसरा, जो भी हम खाते हैं अब हमें अंदर से कुछ नहीं लग रहा जिससे हमारे सब कुछ ग्रो करे। किसी के नेल्स देखे कुछ ग्रो होते हुए, किसी के हेयर, ऊपर से लॉकडाउन प्रॉब्लम्स, खाना पीना रहना स्ट्रेस डाइट, कहाँ तक बचेंगे। वो मारियो और ये गेम आती थी ना जो हम बचपन में खेलते थे, कि फर्स्ट टाइम मारियो क्रॉस कर गया, देन सेकंड क्रॉस कर गया, थर्ड में गया ब्रिज, तो वो हो चुका है। तो हमारा काम है वेटलेस हेयर को वेट देना, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉश करना है, अगले साल यहाँ ग्रो। अब करली वाले कहते जी हम क्या करें, करली वाले अगर ये करवा लेंगे तो आपका लुक ये और सेम डे आपका ये हो जाएगा। नहीं करवाना, शैम्पू, मास्क, एक डिटेंगल स्प्रे आता है, स्प्रे, ठीक है, 15 से 20 दिन में बढ़िया सा एक स्पा, जितना बिटिया हम इसको मॉइस्चर बहुत भर भर के देंगे तब ये ग्रो करेगा। ड्राई चीज उलझेगी, यहाँ से भी जाएगी, ब्रेकेज से भी जाएगी। आपको बिल्कुल भी कभी भी ब्लॉन्ड प्रेसिंग कर्ल्स नहीं करना चाहिए, करोगे आपका हेयर कम होता जाएगा, सॉफ्ट रहेंगे, उलझेगा नहीं, ग्रो करेगा। ये आपका रहता है करली वाला, ठीक है, दैट्स इट।